जय हिंद। वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आप सभी का आर्मी अग्निवीर का पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 17 अप्रैल 2023 को इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 3 शिफ्टें टोटल आज के दिन में हमारी रही थी, तो इसका आज हम एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है, तो उनके माध्यम से हमें जो है ये क्वेश्चन मिले हैं। उन्होंने बताए हैं कि सर इस लेवल के हमें क्वेश्चन आए थे, और लगभग आपका जो पेपर पैटर्न था वो पुराना ही पैटर्न था, लेकिन हल्का सा चेंज आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं इस बार आपको देखने को मिले हैं। हर बार जो है इतना करंट अफेयर आपका नहीं पूछा जाता था, लेकिन आज तीनों ही शिफ्टों में जो है वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके लेटेस्ट करंट अफेयर के आपके पूछे गए हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं मुनीश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, और स्टार्ट करते हैं आज के इस कंप्लीट एनालिसिस को। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं, वीडियो को एक बार शेयर आप ज़रूर कर दें, और कमेंट करके आप बताएं आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही रहे थे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 17 अप्रैल 2023 यानी कि आज से जो है वो आर्मी अग्निवीर जीडी का पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ, और इसके बाद लगातार आपको 21 तारीख तक इसके पेपर के कंप्लीट एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आए थे, कितनी मेरिट आपकी जाएगी, वो सारी चीज़ें आज आर्मी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपके पास प्रश्न दिया गया है वो आप यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें एग्ज़ाम में पूछे थे। तो उनकी हेल्प से जो है वो हम यहाँ पर आपके लिए क्लास जो है वो लेकर आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास, पहला क्वेश्चन था चींटी के डंक में क्या पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो है वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। आप जल्दी से कमेंट करके हमारे साथ बताते चलें क्या क्या आपने इसका आंसर टिक किया है। तो चींटी के डंक में क्या था, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, या फिर इसको मिथेनॉइक अम्ल के नाम से भी हम जानते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, मिथेनॉइक अम्ल से भी हम फॉर्मिक एसिड को जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिट्रिक अम्ल में क्या पाया जाता है। तो ये हमारे तीनों ही शिफ्टों के जो भी हमारे एग्जाम थे उन तीनों ही शिफ्टों का एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। जल्दी से आप कमेंट करते चले हमारे साथ, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, फास्टेस्ट क्लास हमारी चलेगी। सिट्रिक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल जो है वो बेसिकली खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बाकी क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करते हैं ऑप्शंस के ऊपर। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन था जनरल साइंस का, ये पूछा गया था आरबीसी का जीवन काल कितना है। तो आरबीसी जो है वो 120 दिन का उसका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद रहे थे वही सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद था वनस्पति विज्ञान का जनक कौन कौन है, तो थियोफेरस्ट, ये जो है वो वनस्पति विज्ञान का जो है वो इनको जनक माना जाता है। और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड क्लासेस के रहे थे, जिन्होंने हमारा बैच ऑनलाइन बैच जो है वो ऐप के माध्यम से परचेज किया था, तो उनको पता होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन उनको वहाँ पर डिस्कस किए गए थे। अगला प्रश्न क्या था, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वृषण में जो है वो शुक्राणु का निर्माण होता है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कौन सा क्वेश्चन आपने जो है वो सही किया है, कौन सा आपने गलत किया है। अगला क्वेश्चन क्या था, ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फॉर्मूलों से रिलेटेड जो आपकी क्लास रही थी उसमें ये क्वेश्चन आपका डिस्कस कराया गया था। और जिनका भी अभी आने वाला एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, यानी कि कल के बाद 26 तक क्लैरिकल जीडी
टेक्निकल एनए जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, तो एक बार वीडियो को आप ज़रूर देखें कि किस किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक्टिक अमल का सूत्र जो है वो आपसे पूछा गया था, लैक्टिक हो सकता है यहाँ पर, CH3COOH, ये इसका जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर रहता है। उसके बाद था कौन सी धातु जो है वो चाकू से काटी जा सकती है, तो आपको पता होगा सोडियम जो है उसको इजीली चाकू से हम काट सकते हैं, और इसको जो है वो हमने आपकी क्लास में भी डिस्कस करवाया था। उसके बाद जो है वो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद इसको जो है वो किस में रखा जाता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, प्रिजर्व किस में किया जाता है। अगला प्रश्न था त्वरण का मात्रक क्या है, यानी कि एक्सेलेरेशन का सूत्र क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला रहता है। जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तीनों ही शिफ्ट का, तीन शिफ्टें जो हैं वो आज कंडक्ट करवाई गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, तो उन तीनों ही शिफ्टों को जो है वो हम कंप्लीट एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं। अगला, इमली में कौन सा अमल है, तो टार्टरिक अमल इसमें पाया जाता है। थोड़ा सा जो है वो आप टाइपिंग यहां पर एरर जो है वो हमारे साथ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हमने जो है वो इसको टाइप करवाया है, और अभी कुछ टाइम पहले जो है वो आपकी शिफ्ट ख़त्म हुई थी, तो इसलिए क्लास जो है वो आपकी थोड़ी सी लेट हुई है, सेपरेट आपको क्लास नहीं दी गई। तीनों ही शिफ्टों का जो है वो कंप्लीट एक ही वीडियो में एनालिसिस हम करेंगे। टार्टरिक एसिड जो है वो इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न था भूरे रंग की ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है, तो ये भी थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया था। भूरे रंग की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अमाशय के ऊपर, स्टमक के ऊपर पाई जाती है, तो वो है यकृत यानी कि लीवर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद जैव अपघट्य कौन से हैं, तो ये हैं हमारे पेड़ पौधे, तो ये बच्चों के द्वारा ही ऑप्शन जो है वो हमें बताए गए थे कि सर इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ज़्यादा टफ एग्जाम आपका नहीं है। उसके पेंसिलिन की खोज किसने की थी, एंटीबायोटिक है ये, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी आपके पुराने पेपर अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो वो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरीके का आज आपका क्वेश्चन यहाँ पर पेपर पूछा गया था आर्मी एग्जाम के द्वारा, तो वही सेम टू सेम हमारे उसी लेवल के हमने जो है वो पेपर वहाँ पर डाले हैं। 50 से ज़्यादा आपको मॉक वहाँ पर मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस बिल्कुल कम हमने रखा है, 39 रुपीज़ जो है वो आपको वहाँ पर प्राइस रखा है। अगर आपका प्राइस ज़्यादा आता है तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कूपन कोड आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो उससे जो है वो आपका 250 रुपये वाली जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो आपको 39 रुपीज़ में वहाँ पर मिलेगी। कम से कम अगर आपका एग्ज़ाम 2 या 3 दिन के बाद है, अगर उसमें से 5 या 10 अगर आपने टेस्ट सॉल्व कर लिए, तो आपका 101% आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके आगे था अल्फा कण की खोज किसने की थी, तो अल्फा कण की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद वायरस जनित रोग कौन सा है, तो वायरस से कौन सा रोग जो है वो फैलता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था, तो बच्चों ने पोलियो जो है वो बताया था कि ये इसका इस तरीके से एक राइट आंसर यहाँ पे निकलता था, तो पोलियो इसका राइट आंसर था। उसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये फिक्स है चीज़ें, ये जो है ये फिक्स है, लेकिन जो आपका पिछला क्वेश्चन था जैसे ये था वायरस जनित रोग कौन सा है, पोलियो, तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद था विटामिन सी का, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जो है वो हम इसे जानते हैं, शेयर आप करते चलें क्लास को। उसके बाद आपसे मैथ के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आप सॉल्व करते जाएं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें और शेयर कर दें क्लास को, और अगर आपका एग्ज़ाम अभी होना है, अपकमिंग में है, तो आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखें, कंप्लीट एनालिसिस करें, किस किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया था 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो आपको यहाँ पर करवाने लगा हूँ। एक मिनट, तो
तो क्वेश्चन जो है वो आपका तीन संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि आपके पास कोई तीन संख्या आ गई, जैसे कि मैंने लिख लिया ए बी और सी, ये तीन संख्या आ गई, इनका औसत कितना दिया गया है 27, यानी कि उन तीनों का सम कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सम कितना आएगा 27, को तीन से हम गुणा कर देंगे तो 27 तीन कितने 81, यानी कि तीनों को ऐड करके कितना आता है 81 आता है। उसके बाद रेशियो में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, दूसरी पहली से तीन गुनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, आपको बोला है दूसरी जो है वो पहली से तीन गुनी है। अगर पहली एक है तो इसका मतलब दूसरी कितनी होगी, उसकी तीन गुनी होगी, तो तीन होगी। उसके बाद बोला था तीसरी जो है वो पहली से पांच गुनी है, पहली एक है तो इसका पांच गुना क्या हो जाएगा, तीसरा। तो ये आपके पास क्या आ गई, संख्या आ गई 1, 3, 5। अब देखिए, ये तो मैंने संख्याएं निकाली, जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना निकल के आ गया 9, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडिटिंग कितनी आती है, वो आती है 81। तो हमने क्या किया, एक की वैल्यू निकाली, 9 से 81 कटेगा तो क्या आ जाएगा 9, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी 9 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पहली संख्या आ गई 9, उसके बाद दूसरी संख्या 9 3 27 और 9 5 45, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, संख्याएं यहां पर निकल के आ गई। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी 9 27 45 जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया था क्यूबॉइड से रिलेटेड, काफी अच्छा क्वेश्चन था और टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी आया था, एक या दो क्वेश्चन आपके जो है वो लेंथी आए थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे और उसमें जो है वो आपको ज्यादा टाइम जो है वो लग सकता था। उसके बाद क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन था, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई थी और इसमें आपको एक वैल्यू जो है वो मिसिंग थी, एक वैल्यू आपको नहीं दी गई थी यहां पर, इसमें इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात तो की गई, लेकिन इसमें चौड़ाई सॉरी ऊंचाई जो है वो आपको x की वैल्यू दे दी और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जो है वो टोटल सरफेस एरिया आपको 900 दे दिया, आपको ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पर बतानी थी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व करने लगा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 × लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया का, और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास दिया कितना 900, तो हम कंपेयर कर देंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, लेंथ की वैल्यू 10 और उसकी 15, तो 10 गुणा 15 फिर 15 गुणा एक्स, और हाइट कितनी थी एक्स और लेंथ कितनी थी 10 थी, तो ये हमने वैल्यू एज इट इज हमने यहाँ पर भर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये बना हमारे पास कितना 150, 15 को किया तो 15x, फिर ये बना 10x और बराबर में कितने 900, तो ये हमारा 2 चला जाएगा उस तरफ, 150 एज इट इज रहेगा, 15 और 10 कितने हो गए 25x हो गया, 900 बटा 2 आएगा यानी कि 450 बचेगा, यहाँ से ये 2 से 900 कट जाएगा, फिर 150 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 25x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, और 25 से ये कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएं, आंसर आप कमेंट करते चलें साथ साथ में, किस तरीके का आपका एग्जाम रहा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन एग्जाम रहता है उसमें बच्चों की यही शिकायत रहती है कि उसमें जो है आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो नहीं हो पाया, तो वो चीज़ आप बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। लगभग आपकी अगर मेरिट की हम बात करें तो मेरिट जो है वो आपकी लगभग यहाँ पर आपके 42 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, ये आप मान के चलें, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा आपका ज़्यादा है।
इस क्वेश्चन के ऊपर हम दोबारा से वापिस आते हैं, कटिंग करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी, ये दो से कटेगा, ये हमारा पाँच आएगा, पाँच से ये कटेगा, तीन आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11064 ये हमारे पास आंसर आएगा। तो 42 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगला प्रश्न रेशियो से रिलेटेड कुछ इस तरीके का आपका पूछा गया था, ए रेशियो बी दिया था आपके पास कितना, चार और पाँच, और सी बी और सी कितना दिया था, पाँच और आठ दिया था। तो जब भी सेम वैल्यू है तो ज़रूरी नहीं है इसको आगे लेके जाएं, ये एज इट इज़ हमारी वैल्यू उतर के आती है, बी कॉमन था तो एज इट इज़ वैल्यू हम उतार सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा था, ए और सी, ए की वैल्यू थी चार और इसकी है आठ, यानी कि 1:2, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है किसी संख्या में 34 की वृद्धि करने पर खुद की 3/2 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में आपसे पूछा था, कोई एक संख्या है, आपने संख्या ले ली x, उसमें 34 की वृद्धि की यानी कि ऐड किया, तो खुद की यानी कि x जो संख्या थी उसका कितना हो जाती, 3/2। तो इसको ओपन करेंगे, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3x/2 बन जाएगा, फिर दो उस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी हमारे पास, और ये बनेगा 2x+k, ये बन जाएगा 68 और =3x। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 68। थोड़ा सा मैंने फास्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं, और स्पीड आपको रखनी है, अगर आपका एग्ज़ाम अभी होना है तो स्पीड आप ज़रूर यहाँ पर रखें थोड़ी सी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद था x और 2x संपूरक कोण है, तो x का मान आपको बताना। तो देखिए कोणों की जब बात आती है तो सिंपल सी चीज़ है, ट्राइंगल की बात आपने करनी है यहाँ पर इस तरीके से, पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। तो यहाँ पर देखिए टोटल कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब मैं इस x को किससे, x की वैल्यू में क्या लेके चलूँ कि 180 बने, तो x की वैल्यू मैं 60 ले सकता हूँ, तो ये 60 गुणा कितना है, 2, यानी कि एक कोण कितना 60 का और दूसरा कितना 120 का, टोटल एंगल की मैं बात करूँ तो x ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 60। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व आपको नहीं करनी पड़ती, माइंड लगा के आप उन चीज़ों का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद दो टी शर्ट और तीन शर्ट की कीमत 2000 है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। दो टी की बात हमने कर ली और तीन जो है वो क्या बात कर ली, शर्ट की बात कर ली, ऐसे लिख रहा हूँ। तो मैं ये आ गया मेरे पास 2000। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है तीन टी शर्ट, तीन टी आ गया और दो की आ गई शर्ट्स आ गई, इसकी कीमत कितनी है, 2500। अब इसमें एलिमिनेशन मैथड या फिर आप जो हमारा 10th में होता है प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू को कॉमन बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से इसको गुणा करेंगे दो से, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 6t+k 9 शर्ट और ये बन गया हमारे पास 6000। उसके बाद तीन को किया दो से तो 60 आ जाएगा, 4 शर्ट आ जाएंगी और ये बन जाएगा 5000। अब इसको हम माइनस करेंगे तो टी शर्ट से टी शर्ट कैंसिल, 9 में से 4 गए तो 5 शर्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो 5 की वैल्यू, एक शर्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ठीक है जी, शर्ट आपको मिल गई 200 की। अब किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू जो वो भर सकते हैं, इस इक्वेशन में आप वैल्यू भर दें तो क्या बनेगा, 2t+k 3s, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 बराबर है कितना, 2000। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400, और यहाँ से 1t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 700। तो 700 और 200 टोटल कितना बना, 900 की जो है वो एक शर्ट और एक टी शर्ट निकल के आएगी। आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, 900 इसका जो है वो राइट आंसर आपके पास रहेगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेथड बता के, लॉजिक बता के यहाँ पे आपको ट्राई करवा रहा हूँ, बल्कि आपको पेपर में इससे भी कम समय में जो है वो इस चीज़ को कवर अप करना है। आरबी के एग्ज़ाम में सबसे खासियत क्या है कि आपको वैल्यू जो है वो कभी भी वो
टफ वैल्यू नहीं आती है, सिंपल सी वैल्यू आपको आती है 2000, 3000, 2500, इसी तरीके की आपको वैल्यू मिलेगी। अगर कहीं गलती से पॉइंट में अगर आपके पास वैल्यू आ गई तो वहां पे आप फंस सकते हैं। तो थोड़ी सी आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट आप अपना हाथ रखें, 1/5 को प्रतिशत में बदलें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रतिशत में आपको बताया है कैसे बदलते हैं, गुणा करते हैं सिर्फ 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन, आपके गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्री के नंबर थे। उसके बाद था 300 में कोई चीज़ खरीदी 10 की हानि पे बेच दी, तो ये भी बिल्कुल फ्री का नंबर आपका है। 300 की कोई चीज़ है 10 की हानि में बेच दी, यानी कि 90 में बेची, तो 90 की वैल्यू आपसे पूछी है, 2 0 से 2 0 9 3 कितने 27 270 में आपने वो चीज़ क्या कर दी, बेच दी। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला 45/60 को दशमलव में बदलिए, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, 45/60 आपने लिखा, 5 से कटा कितनी बार, 12 बार, 5 से कटा 9 बार, उसके बाद 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, क्या आंसर आ गया, 3/4। अब इसको क्या करना है, 4 से इसको आप भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर आपको भाग देने नहीं आता है तो आपको जो है वो फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 3/4 किसकी होती है, 25/100 की, तो यानी कि 0.75। अगर ये भी नहीं आता है तो आप क्या करें, 100 से गुणा कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, 100 से गुणा कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिए, 4 से 100 इजीली कट जाता है, कितना आएगा 25, 25 को 3 से करेंगे कितना 75, 75/100, तो ये कितना बन गया 0.75। बिल्कुल सिंपल से मैथड, मल्टीपल मैथड का आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या था, 27वां क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं, सिर्फ हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, अदर जो क्वेश्चन थे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो उतने ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों को याद नहीं रहे थे, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा ये क्वेश्चन शेयर किए गए थे। उसके बाद था दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपको दिया गया था, फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, और इक्वल में क्या आता है, एलसीएम गुणा HCF, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसमें जो है वो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल ही आपको दे दिया, 27, 25, और LCM तो आपको दिया नहीं था, HCF दिया था 15, तो 15 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 15 से डायरेक्ट कट के कितना आ जाएगा, 315, तो 315 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जीके के कुछ हम बात करते हैं, तो एक करंट का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो बीबी पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो इसका राइट आंसर था। और ये आपका जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगर आपने अभी तक विजयपथ एजुकेशन के ग्रुप को जो है वो ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर, तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि हमें ग्रुप में आप ज्वाइन कराइए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जो है वो इनको मिला था जैवलिन थ्रो में, तो भाला फेंक का जो है वो इनसे संबंध जो है वो रखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे का संबंध किससे है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उससे इसका संबंध था। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी, आप कमेंट साथ साथ में करते चलें क्या क्या आपने इसके राइट आंसर दिए थे। 1839 से 1842 तक जो है थी वो अफगान की पहली लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1498 में जो है ये भारत आया था। आई होप आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसके बाद बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली किस नदी के किनारे, नदियों से रिलेटेड, शहरों से रिलेटेड, शहर किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे जो है वो दिल्ली बसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था आपका। उसके बाद अमित शाह वर्तमान में क्या है, तो अमित शाह क्या है, वर्तमान में होम अफेयर्स हैं, यानी कि गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं ये पूरे भारत के। तो अगर आपका भी एग्जाम होने वाला है तो ध्यान दें, मंत्रिमंडल जो है वो आप बिल्कुल रट के जाएं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर किसी एक शिफ्ट में जो है वो बार बार लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये जो है वो आप मंत्रिमंडल जो है वो रट के जाएं। उसके साथ में जो आपके डिफरेंट जो आपकी राज्य हैं उनके गवर्नर, राज्यपाल और साथ में उनके सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आप यहाँ पे याद करके जाएं। उसके बाद दीपक हुड्डा का संबंध किससे है, तो वो किससे संबंध रखते हैं,
क्रिकेट से डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। दीपक हुड्डा एक कबड्डी के प्लेयर भी हैं, बैडमिंटन के भी हैं, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है बेसिकली जो है वो आपके ऑप्शन से। तो क्रिकेट उसमें ऑप्शन होगा तो इसलिए क्रिकेट इसका राइट आंसर है। उसके नागालैंड की राजधानी, तो राजधानियों से रिलेटेड बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। राजधानियों का क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद है पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम बताएं, तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया था। टेबल टेनिस को जो है वो पिंग पोंग खेल जो है वो बोला जाता है। उसके यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की ये जो है वो सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो सबसे बड़ा है उड़ीसा में जो है ये आपका स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। बांधों से रिलेटेड बिल्कुल पुराने ही क्वेश्चन है आपके, आप vijaypatheducation.com के ऊपर आप जा सकते हैं। 39 रुपीज में आप अपने लिए आर्मी की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा उसमें आपके मॉक टेस्ट हैं और 150 से ज़्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। तो अभी उतना टाइम तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप मॉक जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो 39 रुपीज में आपको वो मॉक मिल जाएंगे। अगर आपका कूपन अगर आपको चाहिए 39 रुपीज के लिए, तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको कूपन जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ में मैं आपको थोड़ी ही देर में मैं भी आपको यहाँ पर इसी क्लास में लाइव आपको कूपन जो है वो बता दूंगा, कौन सा आपको कोड वहाँ पर डालना है, जिसकी हेल्प से आपका प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर 39 रुपीज़ आपको मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ध्यान रखना आपको, आप हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था, लोकसभा मैं कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ 2 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है लोकसभा में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान दें। लोकसभा में 2 सदस्य तो नहीं हो सकते, 2 सदस्य तो यहाँ पर नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर बताएं क्या इसका राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है उसका। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ध्यान दें, MP के नेशनल पार्क आपसे पूछे गए थे। उसके बाद जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जो भी स्टूडेंट विजयपथ एजुकेशन के साथ जुड़े हैं और जुड़े थे आर्मी के एग्ज़ाम के लिए, तो जो भी उनको वन लाइनर नोट्स मिले थे, तो आप ध्यान दें दर्रों का जो आपका चैप्टर था उसमें पहला या दूसरा क्वेश्चन ही आपका ये था, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में यह हमारा पड़ता है। उसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो सूर्य मंदिर जो है वो आपका एक कोणार्क में पड़ता है, और एक इसमें बोला गया था मोढेरा का कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात से आपके CM का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। उसके बाद इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी पिछले कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था, मैक्सथनीज जो है वो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। हिस्ट्री के काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को इनके जन्मदिवस के ऊपर पूरे भारत में जो है वो क्या मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जा सकता है। आई होप आपका सेम क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में आइए आ जाए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। ये तीनों ही शिफ्टों के आपके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रहे हैं, तो आप ये ध्यान यहाँ पर दें कि किस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, हॉकी भारत की क्या है राष्ट्रीय खेल है, हो सकता है कल के पेपर में आपसे राष्ट्रीय फूल या राष्ट्रीय पशु आपसे पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने शेड्यूल्ड हैं, तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियाँ जो हैं वो दी गई हैं। इसरो का पूरा नाम आपसे पूछा गया था, फुल फॉर्म भी आपसे हो सकता है कल के एग्जाम में भी आपसे पूछी जाए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, इसकी एक फुल फॉर्म है। उसके बाद जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, तो राइन और डेन्यूब नदी जो है वो कहाँ पर बहती है, जर्मनी में बहती है। ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। मौर्य वंश के संस्थापक, पिछले ही क्वेश्चन में पिछले ही
क्लास में मैंने आपको बताए थे पिछले कल, जो आपका एक एनालिसिस किया था 100 GK के क्वेश्चन में, उसमें से आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके डिट्टो के डिट्टो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो डेली आप क्लासेस यहाँ पर हमारे साथ लगाते रहें। चीन की राजधानी बीजिंग, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आर्मी के सेंटर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हुआ था ये, चीन की राजधानी क्या है बीजिंग, और इसमें जो है ओलंपिक भी आपके कराए गए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया है आज। एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध किससे है, एग्रीकल्चर शॉर्ट तो ये आपका रिलेट किससे करता है, क्रिकेट से रिलेट करता है, क्रिकेट से, और एग्रीकल्चर बेसिकली आपका फार्मर से रिलेट करता है। एग्रीकल्चर अगर मैं साइंस की बात करूं तो फार्मर यानी कि खेती बाड़ी से संबंधित जब बात करते हैं उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी से रिलेटेड यहाँ, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट की बात बोली गई है, सॉरी शॉर्ट की बात बोली गई है, तो यानी कि वो किससे है, क्रिकेट से है। उसके बाद धालावीरा कहाँ पर है, जो गुजरात में है, गुजरात के लगभग अभी तक 3 या 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ताजमहल कहाँ पर है, पिछले ही कल की क्लास में डिस्कस किया था, और ये देखिए आप, ये हमारा उसी क्लास का सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमें मिल गया। अभी तक टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो हमें पिछली क्लास के मिले हैं। तो एक बार जो 100 क्वेश्चन की जीके की हमने एक रैपिड सीरीज पिछले कल एक क्लास ली थी, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, हो सकता है उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में भी पूछ लिए जाएं। तो ये 5वां हमारा क्वेश्चन जो है वो डिट्टो पूछ लिया गया है। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है, मैंने आपसे डिस्कस किया था बच्चे, यहाँ पर ताजमहल जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली टिक कर देते हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो नहीं है, इसका राइट आंसर आगरा है, और आगरा कहाँ पर पड़ता है वो आप ध्यान दें, यूपी में पड़ता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सूडान की राजधानी क्या है, तो खार्तुम, ये बर्ड जीके के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, खार्तुम इसका राइट आंसर रहेगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये की थी लाला हरदयाल ने, और कब की थी, 1913 में, इजी क्वेश्चन है आपका, 1913 में भारत को पहला नोबेल प्राइज भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, गीतांजलि से जनगण मन लिया गया है, और जनगण मन गाने के लिए जो है वो 56 सेकेंड जो है वो टोटल है लगते हैं। उसके बाद इटली का प्रधानमंत्री कौन है, ये करंट से रिलेटेड पूछा गया था आपका क्वेश्चन, जियो गिला मेलोनी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। कमेंट आप करते चलें साथ साथ में। झारखंड राज्य की राजधानी, तो राजधानी से दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है, पहले छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछा था, तो रांची इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद फिर से मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में मैं आपको कूपन यहां पर बता रहा हूं, कूपन कोड जो है आप जब www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएंगे तो 2 प्रकार की आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिलेंगी, एक है आर्मी की और एक है आपकी अग्निवीर की, तो सेम ही उसमें मटेरियल हमारा रहता है क्योंकि एक ही फॉर्म है। आर्मी में जो प्राइस रखा गया है वो 259 है, उसमें 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज हैं, और यहाँ पर जब आप हमारा कूपन कोड BY2B2356 जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे BY2B2356 जब आप ये कूपन कोड ऐड करेंगे तो 259 का जो आपका टैग है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 39 रुपीज़ में, तो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं 39 रुपीज़ बिल्कुल। लिमिटेड सा बिल्कुल सफिशिएंट प्राइस जो है वो आपके लिए रखा गया है 39 रुपीज़, आप मान के चल सकते हैं एक पेपर का 1 रुपया, तो आप खुद के लिए जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, और सेम टू सेम वेबसाइट के ऊपर ऐप के ऊपर जब आप पेपर देंगे तो आपको हूबहू ऐसा लगेगा कि हम जो है वो फाइनल पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल एक उसी लेवल का आपका एग्ज़ाम रहेगा और कंप्लीट एनालिसिस रहेगा कैसे आपको सबमिट करना है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट हम आते हैं, क्वेश्चन क्या था, एक आदमी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है जी। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आदमी जो वो कितने दिन में करता है, 5 दिन में, तो बोला उसी कार्य को अगर 2 दिन में पूरा करना है, ठीक है, 2 दिन में अगर पूरा करना है तो यहाँ पर 5 दिन में आपको पूरा करना है, ये आगे
5 दिन, 2 दिन में जब आपको पूरा करना है तो कितने आदमी आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डबल कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो कितने आदमी चाहिए, 10 आदमी आपको वहां पर चाहिए। बिल्कुल एक सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया था, माइंड का क्वेश्चन है, 36 डिग्री का पूरक कोण क्या है, पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री आपको बताना है। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, 36 में कितने ऐड करें कि 90 बने, पूरक कोण बने, तो आपका 54 इसका राइट आंसर था। ये मैथ के आपके बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 का स्क्वायर पूछा गया था, तो 144 ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपसे बोला गया था 3 और 4 है। तो ये आपका एक सिंपल सा मेथड रहता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखना है, 3x 4x, 5 वर्ष बाद बोला गया है तो +5 कर देंगे और कितना अनुपात हो जाता है, 4 और 5 हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 5 3 बनेगा ये 15x और 5 × 5 बनेगा 25, 4 × 4 करेंगे 16 और 5 को इससे किया तो कितना आ गया 20, 15 और ये बन गया 1x, 1x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी 5 से, तो ये कितना बनेगा, 5 3 15 और 5 4 20। किसकी पूछी है हमसे, ए की पूछी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, तो 15 इसका राइट आंसर था। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, परिमाप आपको बताना था। ये आयत मैंने यहाँ पर बनाया, थोड़ा सा आप शेप देख सकते हैं, 15 और 8 है। फॉर्मूला लगाया 2 × L + B, ये इसका फॉर्मूला है, 2 as it is है, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 8, तो 15 और 8 कितने हो गए, 15 और 8 हो गए हमारे पास 22, 22 को सॉरी 23, 23 को 2 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 46, 46 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। या फिर इसकी जो भी साइड है, 15 अगर एक साइड है तो दूसरी सामने वाली 15 होगी, ये 8 होगी, सबको आप ऐड कर दें, 15 + 8 + 15 + 8, तो तब भी कितना बनेगा, 46 मीटर ही इसका परिमाप निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपको दूरी बतानी है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपने लगाया है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम बनेगा। स्पीड है आपके पास 20 और टाइम कितना है 8, तो 8 दुने कितने 16, 160 किलोमीटर जो है इसकी क्या जाएगी, दूरी यहां पर निकल के आएगी। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है हमारा सिंपलीफिकेशन का, आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था सिंपलीफिकेशन का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन था आपके पास 8/2 × 4+2, ये क्वेश्चन था, पहले भाग करेंगे 4 आएगा, फिर ये आ गया और प्लस के 2, फिर आप गुणा करेंगे ये बना 16, 16 और 2 कितने आपके पास 18, तो बिल्कुल सिंपल सा। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिले, क्योंकि जो बच्चों को क्वेश्चन याद था तो उन्होंने इस तरीके का क्वेश्चन हमें बताया, तो हमने उसी तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपकी जो है वो चेंजिंग हो सकती है फाइनल एग्जाम में। उसके बाद 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, योग इनका 60 दिया गया, बड़ी संख्या आपको बतानी थी, तो आप देखिए अनुपात कितना दिया गया 2 और 3, अब योग कितना, सम कितना बताया 60, लेकिन आपके अकॉर्डिंग योग कितना, 2 और 3 कितने 5, आपके अकॉर्डिंग योग 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60, कंपेयर किया एक की वैल्यू कितनी 12, इसको भी 12 से गुणा करेंगे और इसको भी क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे, एक कितना बना 12 को 2 से किया कितना 24, दूसरी कितनी बनी संख्या 36, तो बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी क्या आ गई 36 आ गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करना है। एबीसी का अनुपात आपको दिया गया था 2 3 5, योग दिया गया था तो ए का हिस्सा आपको बताना है, तो फिर से उसी तरीके का आपका क्वेश्चन है। ये आपके पास दी गई रेशो एक्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके अकॉर्डिंग 2 और 3 5 5 और 5 कितने 10, आपके अकॉर्डिंग सम कितना आया 10x, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम कितना है 4 5 6 0 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 5 6 0, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे पूछा है a का हिस्सा कितना है, तो a का हिस्सा कितना है 2x, यानी कि इस 2x को x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 5 6 0, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणा करके कितना आएगा 9 1 2 0, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारे साथ रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न था, ए बी सी एक काम को 10 दिन में करते हैं,
ए अकेला 30 दिन में करता है, बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ए बी और सी ये करते हैं 10 दिन में और ए अकेला जो वो कर देता है 30 दिन में। एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 1 बार। अब हमें ये पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3, और ए अकेले की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे भर दी 1, और ये बच गया बी प्लस सी बराबर में 3। एक उस तरफ चला जाएगा, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब टोटल काम कितना है 30, बी और सी मिलके करेंगे यानी कि 2 काम कर रहे हैं, तो कितना काम पूरा, कितने दिन में पूरा, 15 दिन में काम पूरा। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। उसके बाद आपसे बोला गया था, ये आपका क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है 12। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन था। सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक होगी, एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूँ। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है, बिल्कुल इजी सब आपका प्रश्न है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये आपका क्वेश्चन था, और आपको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, इससे अगला क्वेश्चन भी शायद इसी लेवल का, वो आप खुद यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। स्क्वायर निकालना तो आप क्या करें, स्क्वायर कर दें, बोथ साइड आपने स्क्वायर कर दिया, ये आपके पास फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये कितना आ गया 144, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा एक्स से एक्स। इस वैल्यू को आप यहीं पे रहने दें और इस 2 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये कितना बनेगा 142, और यही वैल्यू आपसे पूछी थी, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 142 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन है, अगर किसी ने अभी तक एलजेब्रा जो है वो नहीं देखा है, ध्यान नहीं दिया है, तो उस चीज़ को यहाँ पर आप कवर कर लें। 1 या 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न फिर से है आपके पास इसी तरीके का, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें क्या इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तभी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल कोई चीज़ रहने वाली है। ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई थी, कमेंट आप ज़रूर करें क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है, फॉर्मूला आप इसमें लगाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था माता पिता, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा एरर का ध्यान दें, और 2 बेटियों की औसत आयु, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ गई माता, उसके बाद पिता आ गया, उसके बाद ये आ गई पहली बेटी, और उसके बाद आ गई दूसरी बेटी, तो ये इनकी औसत आयु कितनी है 32। अगर इसका सम निकालना है तो ये डिवाइड बाय 4 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि औसत के लिए टोटल 4 पर्सन हुए, तो 4 उस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सम कितना निकल के आएगा, 4 × 8 = 12, 128 सम निकल के आएगा। ठीक है जी, माता और पिता की औसत आयु कितनी है, माता और पिता की, इनकी औसत आयु कितनी बताई है 44, यानी इसको हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 पर्सन है, तो ये कितना बन गया, इसका सम कितना बन गया माता और पिता का, ये बन गया 88। अब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, माता प्लस पिता और प्लस की कितनी, 2 बेटियाँ, 1 बेटी दूसरी बेटी, कितना सम है 128। अब ये माता और पिता हमें पता है इनका सम कितना है 88 है, तो यहाँ पर मैं क्या भर दूंगा, इन माता पिता की जगह 88। अब ये 88 कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो मेरे पास 2 बेटियों का क्या निकल के आएगा, सम निकल के आएगा, 128 में से क्या चले जाएंगे 88 मेरे चले जाएंगे। माइनस आप करें कितना बचेगा, ये बचेगी 0, 12 में से 8 चले गए, बचे कितने 4। अब दोनों का सम कितना आ गया 40 आ गया। अब एवरेज निकालनी है तो 2 बेटियां इसलिए डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितनी एवरेज आ गई 20, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास रहेगा। कमेंट आप जरूर करें क्या ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आया था या फिर हल्का सा इस क्वेश्चन में चेंज हुआ था। उसके बाद SI से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, लेकिन इसमें अमाउंट की आपसे वैल्यू जो है वो पूछी गई थी। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले आप यहां पर निकाल लें, 4000 आपके पास प्रिंसिपल है, रेट दिया गया है आपके पास 10%, और टाइम है 3 साल, और डिवाइड किससे करेंगे 100 से, यहां पर हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद 20 से आपकी 20 कैंसिल आउट होगी, 4 × 3 से किया तो कितना आ गया 1200। अब 1200 ब्याज आया, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है 4,000 और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1,200, तो 4,000 और 1,200 कितना 5,200 रुपये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक कार 3 घंटे में 64 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल बताएं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 2xy का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2xy अपॉन x प्लस y, और इसी मेथड से क्या करते हैं जब आंसर निकालते हैं, हो सकता है इस मेथड से उनका आंसर जो है वो लगभग क्लोज टू क्लोज निकल के आए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये आपका मेथड जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं फॉलो किया जाएगा। ये मेथड तब फॉलो किया जाता है जब आने की दूरी और जाने की दूरी दोनों में क्या है समानता है। देखिए पहले 64 किलोमीटर गया फिर 132 किलोमीटर गया, तो दूरी क्या है हर बार, दूरी हर बार जो वो है क्या वो है अलग है, इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला आप फंडा क्या ध्यान में रखें कि जब भी औसत की बात बोली गई है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड आपसे पूछी है तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी बार आएगा 2 बार और टाइम भी कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो डिस्टेंस कितना आपके पास पहले 64 है फिर आपके पास 132 और टाइम पहले 2 है उसके सॉरी पहले कितना आपके पास 3 है और उसके बाद कितना है 2 है, तो 64 और 132 कितने हैं ऐड आप कर दें और डिवाइड बाय क्या कर दें 5 आप कर दें, ठीक है 4 और 2 6 13 19 196/5 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या राइट आंसर 39.2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट हैंड अब हम रखेंगे यहाँ पर, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी थी, तो 15वीं राष्ट्रपति एट प्रेजेंट टाइम में हमारी भारत की प्रेसिडेंट हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप चेक कर लें नेट से बुक से कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से जो है वो रिलेट करती हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की ये राज्यपाल थी, तो थोड़ी सी जानकारी आप ले लें, हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाए कल के पेपर में। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है वो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संविधान को आप जरूर अंडरस्टैंड करें, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बार बार आपके देखने को मिल रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपकी जो है वो 35 साल की ही उम्र आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था आपका, भारत राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो उसका सभापति है और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के द्वारा चूज किया जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष चूज नहीं किया जाता वो, बल्कि जो है वो उपराष्ट्रपति, और वर्तमान की उपराष्ट्रपति कौन है कमेंट करके आप जरूर बताएं। धनखड़े जो है वो उनका नाम है, पूरा नाम आप हमारे साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट करें कमेंट करें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आप कमेंट करें कौन सा है, हो सकता है कल के एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाए। बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, हाँ नहीं बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज हुए हैं, ये पहले हिमाचल के थे और सॉरी मैं हिमाचल पे यहाँ पे चला गया, ये जो है वो हिमाचल के राज्यपाल थे, लेकिन अभी पिछले मंथ ही जो है वो इनको जो है वो कार्यभार दिया गया है बिहार का, तो बिहार इसका राइट आंसर है और बिहार की राजधानी है पटना। नए हिमाचल के राज्यपाल कौन बने हैं, शिव प्रताप शुक्ला, वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए बन सकता है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ममता बनर्जी, तो मंत्रियों से रिलेटेड अभी तक 6 से 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुई थी, और अभी मैंने आपको बताया भारत का पहला नोबेल प्राइज 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो मिला था गीतांजलि के लिए, जनगणमन उन्होंने इससे लिया था लिखा था। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो पंजाब में है। मंदिरों से रिलेटेड फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ। भारत की सबसे लंबी नदी, पहले जो है वो दिल्ली शहर पूछा था किस नदी के किनारे है, पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी 25
25-25 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। अगर कोई ऑप्शन इस 2525 के नियर अबाउट भी अगर रहता है तब भी वो आपका बिल्कुल सही है। भारतीय तट रक्षक का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली में है। बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तेलंगाना के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के लिए आप जो है वो हमारा विजयपथ एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस वेबसाइट के आप विजिट करें, वहां पर भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा जिसमें डे टू डे के करंट अफेयर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से होता है जो तिब्बत में आपका पड़ता है। उसके बाद एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है, तो ये महाराष्ट्र से जो है वो बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, और शिवसेना पार्टी से जो है ये जो है वो संबंध रखते हैं। उसके बाद बेंटन कप का संबंध किससे है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हॉकी से इसका जो है वो संबंध रखा गया है। डक शब्द का संबंध किससे है, क्रिकेट से, जो आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी है वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका अरविंद केजरीवाल, इजी क्वेश्चन है, आप पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, जो सबसे रक्त जो है वो ले सकता है ए बी और सबको दान दे सकता है, वो है आपके पास ओ। डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या है, डेमोग्राफी जो है वो रिलेट करता है हमारा जनता से, लोगों से, पीपल से, तो इसमें डेमो का मतलब क्या है, यानी कि पीपल, ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न, मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ की बीमारी है ये। उसके बाद पितरस का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, लीवर, लीवर में। बाइल का निर्माण कहाँ पे होता है, वो होता है यकृत में, और स्टोर कहाँ पे होता है वो आप ध्यान रखें, पिताशय में जो है वो ये स्टोर होता है, पिताशय में स्टोर होता है, लेकिन निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, प्रमस्तिष्क जो है वो हमारा सबसे बड़ा भाग होता है। पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना, अगर आप एक गिलास में उसमें अगर पानी भरा है, अगर जब आप उसमें एक चम्मच डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको चम्मच जो है वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा, वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी कि यहाँ से टूटा हुआ दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तो अपवर्तन के कारण जो है आपको ये चीज़ शो होती है। उसके बाद बर्फ में, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब बर्फ जो है वो पिघलता है तो उसका इजी वे में डायरेक्ट, यानी कि उसकी फॉर्म, उसकी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो उसकी वजह से जो है उसको भौतिक परिवर्तन बोला जाता है, हम दोबारा से उसको उस स्ट्रक्चर में वापस लेकर आ सकते हैं। उसके बाद चम्मच की बाहरी सतह कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करता है और अवतल लेंस की तरह ये बिहेव करता है। दो तरीके से आपका बनता है, लेंस की फॉर्म में अवतल और दर्पण की फॉर्म में आपके पास उत्तल। ध्यान दें, लेंस आपका अलग है और दर्पण मिरर जो है वो आपका अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। अमाशय के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कि पीएच कितना होता है, 0.1 से लेके 0.3 तक उसकी पीएच वैल्यू रहती है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। आलू में अंकुरित भाग कौन सा है, तो उसकी आंखें जो है उसकी अंकुरित भाग है। अजैब की घटक क्या है, तो मृदा है, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर ये आपका क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है, इसका उपयोग बैटरी में भी किया जाता है। महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा एसिटिक है, एसिटिक एसिड का आपसे फॉर्मूला पूछा गया था, तब मैंने आपसे लैक्टिक एसिड बोला था, नहीं, एसिटिक एसिड ही है वो आपके पास फॉर्मूला, CH3COOH, एसिटिक एसिड ही है आपके पास वो चीज़, वो आप ध्यान दें, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लें। ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती है, तो प्रेशर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होती है, हवा की चाल जो है, सॉरी ध्वनि की चाल जो है वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। LED बल्ब CFL सबसे ऊर्जा खपत कौन करता है, तो यहाँ पर LED बल्ब आपके पास आएगा, LED
बल्ब सीएफसी में सबसे ऊर्जा खपत कौन करता है, सबसे ज्यादा यूज जो है वो कौन करता है, यहाँ पर बल्ब जो है वो सबसे ज्यादा यूज करता है, एलईडी जो है वो बचाता है। ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे एरर है। तो ये जो है वो हमने यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए हैं वो हमारे साथ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जल्दी ही मैं कल आपके साथ एक बार फिर से मिलूँगा एक नए सेशन के साथ। कल आपका फिर से आर्मी अग्निवीर का जो सेकेंड पेपर है वो आपका कंडक्ट होगा। तीनों ही शिफ्ट को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी रैपिड जीके के 100 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको शो करवा दूंगा, उससे लगभग आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, वो मैं आपको गारंटी देता हूं। तो जल्दी ही नई क्लास के साथ आप जुड़ें, कमेंट आप करें कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।